नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है दो हज़ार छः के एग्जाम से एंड इट सेज अ कार रनस एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस हंड्रेड मीटर टेकिंग सिक्सटी टू पॉइंट एट सेकेंड्स फॉर एवरी सर्कुलर लूप द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ई सर्कुलर लूप रेस्पेक्टिवली विल बी नाउ इस केस में वो कह रहा है कि अपना एक पार्टिकल है वो इस पॉइंट से लेट से यहाँ से चालू हुआ इस डायरेक्शन में गया इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में और वापस अपना ओरिजिनल लोकेशन पे आ गया ना इस केस में रेडियस अपने को दिया हुआ है आर इज इक्वल टू हंड्रेड मीटर और इसको कंप्लीट यहाँ से वहाँ तक करने का टाइम जो दिया है वो है सिक्सटी टू पॉइंट एट सो टाइम अपने को दिया है सिक्सटी टू पॉइंट एट सेकेंड्स और हमें बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ना क्योंकि पार्टिकल वहाँ से अपनी लोकेशन से चल के पूरा सर्कुलर मोशन करके अपनी जगह पे आ गया है उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट होएगा जीरो इसको हम जैसे अपनी क्लासरूम में कहते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए इफ़ दैट इज द केस अगर आपका ऐसा केस है आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो फॉर द सिंपल रीजन डिसप्लेसमेंट ज़ीरो है सो उस केस में वेलोसिटी जो वेक्टर है एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो है नाउ so, अगर आपको इस, इसकी स्पीड वैल्यू निकालनी है उसको आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अगर पार्टिकल पूरा गोल चक्कर काट के आया है विट विल बी इक्वल टू टू पाई आर सो इसको हम लिख सकते हैं टू पाई मल्टीप्लाइड बाय आर आर की वैल्यू दी हुई 100 मीटर्स डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टाइम टेकन इज सिक्सटी नाउ अगर आप नोटिस करें 62.8 अगर नोटिस करोगे सो दिस इज नथिंग बट 20 पाई सो so, अपनी इसकी वैल्यू आ गई दिस विल बी इक्वल टू 200 हंड्रेड पाए डिवाइडेड बाय ट्वेंटी पाए सो ये 3.14 का मल्टीपल है और right. इसको अगर करके अपनी जो एवरेज वैल्यू आ गई वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई सो so, अपने दो आंसर बन गए एवरेज वेलोसिटी इज़ ज़ीरो एंड एवरेज डिस्टेंस सॉरी एवरेज स्पीड इज़ टेन मीटर पर सेकेंड सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर